अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर। चलो बेटा, देखिए आज की क्लास में ना हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बाइनोमियल करा दी थी ना मैंने, पूरा उसका हैंडआउट वगैरह सब करा दिया था तुमका वो इस बात के। यस सर। आज की क्लास में पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे। हेडिंग डालो और कुछ चीजें लिखना शुरू करो। उसामा कैसे हो बेटा? खूबसूरत लग रहे हो उसामा, बहुत खूबसूरत अल्हम्दुलिल्लाह सर, खूबसूरत लग रहे हो सामा बहुत। देखो तुम बच्चा मेरा कितना अच्छा होकर बैठा है आराम से। जी सुने बेटा मेरी बात, इसको कुछ लोग पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी ना बेटा एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। थोड़ा सा मैं तुम्हें इसका इंट्रो दे दूं, फिर स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। बहुत ही आसान है ये पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी, एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, समझा सकते हो इसका मतलब क्या हुआ? यस सर, वही काउंट की जा सकती है और पॉइंट में इसका आंसर नहीं आएगा होल में। नहीं, आंसर तो प्रोबेबिलिटी के पॉइंट में आ सकता है। इसका जो वेरिएबल है ना वो एक डिस्क्रीट वेरिएबल होगा, है ना, जिसकी वैल्यूज जंप करती हैं, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, इंटरवल की वैल्यूज नहीं होती है ना। ये बात की थी हम लोगों ने, ये भी एक यस सर। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। और तुम लोग इस बात की भी गवाह हो कि मैंने तुम्हें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का भी मतलब समझाया था। याद है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन किसी बच्चे को? वो जो आउटकम्स की हमने अज्यूम वैल्यू निकाली है मैं थोड़ा सा याद उसका दिला देता नाम। हूँ। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टेबल ऑफ 2 कॉलम्स। ठीक है, जिसके पहले कॉलम के अंदर रैंडम वेरिएबल की तमाम अज्यूम्ड वैल्यूज होती हैं कि क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, और उनकी प्रोबेबिलिटी लिखी होती है दूसरे कॉलम के अंदर। वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तमाम अज्यूम्ड वैल्यूज होती हैं, तमाम पॉसिबल वैल्यूज होती हैं। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी का सम किसके बराबर आना चाहिए बताओ फिर? 1 वन के। क्यों 1 के बराबर आना चाहिए, वजह बताओ। सारे वो पॉसिबिलिटीज कवर हो जाती हैं। वेरी गुड, सारी पॉसिबिलिटीज कवर हो जाती हैं। वेरी गुड फिजा, वेरी गुड, जवाब दिया करो बेटा सब लोग जरा। अच्छा, इसके बाद ना यहाँ पर भी वही सारी चीजें कि जितनी भी ट्रायल्स हैं, यानी जितनी भी सिलेक्शंस होंगी, जितनी भी ट्रायल्स हो रही होंगी, वो सब के सब इंडिपेंडेंट होंगी। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का जिक्र होगा। और दूसरी, यहाँ पर बेटा ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, मैं लिख देता हूँ सारी बातें। ट्रायल्स मस्ट बी, मेरे हैंडआउट में आपको ये सब चीजें डिटेल में मिलेंगी, यकीनन इंडिपेंडेंट। इसके अलावा बेटा दूसरी चीज जो होगी वो ये यूनि पैरामेट्रिक है। यूनि पैरामेट्रिक का मतलब पता है? एक जरूरी होगा इसका जी, इसके पैरा। अंदर ना एक पैरामीटर होता है, वन पैरामीटर ओनली। यूनि पैरामेट्रिक का मतलब वन पैरामीटर ओनली, और वो वन पैरामीटर क्या होता है बेटा? मीन, दैट इज मीन, एवरेज दिया जाता है। इसके अंदर और भी चीजें हैं कि बेटा आपके पास कुछ एन और पी होता है बाइनोमियल की एप्लीकेशन के ऊपर, वो मेरा थोड़ी लेटर का टॉपिक है इसी का ही है, लेकिन वो थोड़ी देर में आएगा कि एन जो है वो बहुत बड़ा होना चाहिए और पी जो है वो बहुत छोटा होना चाहिए, तो फिर हम अप्लाई करते हैं, ये थोड़ी देर में बताऊंगा। फिलहाल ये 2 चीज़ें याद रखो कि ट्रायल मस्ट बी इंडिपेंडेंट, और ये यूनि पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके अंदर सिर्फ एक ही पैरामीटर होता है। ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, किस क्या अप्लाई करके फॉर्मूला निकालोगे, प्रोबेबिलिटी निकालोगे? देखो इधर फॉर्मूला क्या है इसका, ई की पावर माइनस एम, एम की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। बहुत ही आसान है, बताओ ई कौन है, किसी को पता है? सर वो कांस्टेंट, इरेशनल नंबर, इरेशनल कौन सा नंबर? सर कांस्टेंट मतलब जो हाँ, एप्सिलॉन, इसको बोलते क्या है, एप्सिलॉन कैलकुलेटर पे देखिए एक्सपोनेंट एक्सपोनेंशियल जो बटन होता है ये वो है ही है।
सर इसकी वैल्यू 2.71 समथिंग होती है, तो ये कांस्टेंट है, इसका मतलब ये तो हर सवाल में दिया नहीं जाएगा, कांस्टेंट है। एम को नहीं, यहाँ पर पता है एम है बेटा मीन, और एक्स है बेटा नंबर ऑफ सक्सेस, यानी जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। अब बाइनोमियल से इसको डिफरेंशिएट करो, बाइनोमियल से इसको डिफरेंशिएट करो। बाइनोमियल में आपको एन और पी दिया जाता है, क्या सही कह रहा हूँ मैं इस बात को? याद है किसी बच्चे को मेरी ये बात? यस सर। एन और पी प्रोबेबिलिटी दी जाती है, रोहन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दी जाती है, तो पहचान पता फौरन हो जाएगी कि भाई अगर प्रोबेबिलिटी दी गई है एन 20 के अंदर अंदर है, पी 0.05 से बड़ा है, फौरन में बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लगाकर बाइनोमियल के जरिए प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूँ। इस सवाल की पहचान अभी हम लोग बुक के सवाल करेंगे तो पता है इंशाल्लाह ताला, तो तुम्हें बहुत सारी पहचान हो जाएगी कि इनके हर सवाल में ना तकरीबन एवरेज दिया जाएगा, एवरेज एवरेज दिया जाएगा बेटा, ठीक है? तो वो एवरेज हमारा एवरेज तुम्हें पता है प्रोबेबिलिटी तो होती नहीं है, एवरेज तो वन से बड़ा भी हो सकता है, एवरेज तो बहुत ज्यादा भी हो सकता है, तो एवरेज दिया जाएगा तो बच्चा फौरन पिक कर लेगा कि भाई मुझे यहाँ पे पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लगानी है, ठीक है? अच्छा, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दोनों डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, दोनों के लिए कंडीशन सेम ही है कि ट्रायल इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है? एक ट्रायल का दूसरी ट्रायल से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। फिर अलग अलग अप्लाई क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत सारी जगहों पर ना आपको प्रोबेबिलिटी और सक्सेस नहीं दी जाती, एवरेज दिया जाता है, एवरेज देने के बाद प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है। अब जैसे मैं तुम्हें थोड़ी सी एग्जाम्पल देता हूँ पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, बहुत ही रेलिवेंट एग्जाम्पल है, बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी। एक टाइपिस्ट है बेटा जो कंप्यूटर के ऊपर ना टाइपिंग करता है, तो वो तुम्हें पता है टाइपिंग जब बंदा कंप्यूटर पे कर रहा होता है तो स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती है और भी बहुत सारी चीजों की गड़बड़ हो सकती है। तो एक टाइपिस्ट मैंने देखा भी प्रोफेशनल टाइपिस्ट है कि ये ना ऑन एन एवरेज अपने किसी भी पेज के ऊपर ना 3 मिस्टेक्स करता है, 3 एरर करता है। तो ऑन एन एवरेज 3 एरर का मतलब क्या हुआ, कोई बच्चा एक्सप्लेन कर सकते हैं 3 एरर का मतलब क्या है? 3 तक हो जाती है उससे, 3 मिस्टेक होती है सर तकरीबन हर पेज में, नहीं पर एवरेज तकरीबन बोलना जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी पेज पर 1 मिस्टेक 2 मिस्टेक भी करता होगा, किसी पेज पे 4 भी करता होगा, 5 भी करता होगा शायद। तो टाइपिस्ट जो है ना 3 मिस्टेक्स करता है ऑन एन एवरेज। अब मैं तुमसे बोलूं कि वो अगला पेज टाइप करने जा रहा है, अभी टाइप नहीं किया, अगला पेज टाइप करने जा रहा है, तो इस पेज के ऊपर वो 1 भी मिस्टेक नहीं करेगा, इस पेज पर 1 मिस्टेक करेगा, इस पेज पर 2 मिस्टेक्स करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, 5 करेगा, क्या इन सबकी कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होगी या नहीं होगी बेटा? Yes, sir. है ना भाई, वो एक भी गलती नहीं करेगा। सर ये तो बहुत ही कम चांसेस है सर, एक आध गलती तो बंदे से हो ही जाती है सर। तो मैं कह रहा हूँ जी हाँ बेटा, देखो कितने कम चांसेस है, लेकिन है ना, एक गलती करेगा इस बात के भी चांसेस होंगे। सर अपनी एवरेज मिस्टेक्स करेगा यानी 3 मिस्टेक्स करेगा, इस बात के भी कुछ ना कुछ चांसेस होंगे बेटा। तो इसका मतलब हर रेंडम वेरिएबल की वैल्यू की कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी लाजमी होगी। देखो ये भी रेंडम वेरिएबल है, टाइप्स ऑफ नंबर ऑफ मिस्टेक्स, क्योंकि गलतियां कभी डेढ़ नहीं होती, एक गलती होगी या दो गलती होंगी, 3 गलती होंगी या 4 गलती होंगी, तो इनकी भी कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी जरूर एग्जिस्ट करती है। लेकिन अब यहाँ पर एन और पी गिवन नहीं है, एन का तो मतलब ही नहीं बनता वैसे भी कि 10 में से 8 गलतियां करेगा, 10 क्या है और 8 क्या है। आपको यहाँ पर ना एवरेज दिया जाता है कि एवरेज इतनी गलतियां करता है, अब बताओ इतनी गलतियां करेगा इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, अब इतनी गलतियां करेगा इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो एवरेज देकर किसी रेंडम वेरिएबल की वैल्यू की प्रोबेबिलिटी निकलवाएगा। अब तुम्हारे लिए बाइनोमियल लगाना मुश्किल है, क्योंकि बाइनोमियल के लिए एन और पी होना जरूरी है, यहाँ पे एन और पी दोनों नहीं होते बेटा। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? यस सर। वेरी गुड। एक बैट्समैन ले लो, एक बैट्समैन की बात कर लो कि वो हर वनडे मैच के अंदर ऑन एन एवरेज 4 6 तो हिट करता ही करता है, T20 कह लो या वनडे कह लो, 4 6 हिट करता है, एवरेज दिया हुआ है वो। अब वो कोई पर्टिकुलर मैच खेल रहा है, उस मैच के अंदर वो 1 भी सिक्स नहीं लगाएगा, 1 सिक्स लगाएगा, 5 छक्के लगाएगा, 6 छक्के लगाएगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो उस बात की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको एवरेज दिया हुआ है बेटा। तो जब एवरेज दिया हुआ है तो आप बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लगा सकते। अच्छा पहले वेरिएबल को आइडेंटिफाई कर लिया करो, मेरे मुंह से भी तुम जितने भी वेरिएबल सुनोगे डिस्क्रीट ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। नंबर ऑफ सक्सेस क्या कभी वो हो सकता है बेटा, फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकती है? नो सर। 3 होगी या 4 होगी, देखो जम कर गई वैल्यू, 4 होंगे या 5 सक्सेस होंगे, 2 होंगे या 3 होंगे, जम कर रही है वैल्यू, तो डिस्क्रीट वेरिएबल है, तो इसके ऊपर भी मैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लगाऊंगा। इसके बाद तुम वो देखो कि एक बॉक्स के अंदर हम जो है वो कोई आइटम ऐसा होता है ना कि कोई चीज हमने प्रोड्यूस की, इसकी मिसाल ले लो तुम, मैंने मार्कर बनाए और एक मार्कर के अंदर मैंने 6 एक बॉक्स के अंदर मैंने 6 मार्कर को पैक किया, तो इन 6 मार्कर्स के अंदर ऑन एन एवरेज
एक मार्कर डिफेक्टिव होता है, एक मार्कर डिफेक्टिव होता है ऑन एन एवरेज, एक मार्कर डिफेक्टिव है। अब मैं बोलूंगी किसी बॉक्स के अंदर एक भी मार्कर डिफेक्टिव नहीं होगा, एक मार्कर डिफेक्टिव होगा, दो मार्कर डिफेक्टिव होगा, इस बात के क्या चांसेस है, है ना? मानते मेरी इस बात को? तब उसके चांसेस निकालने के लिए दोबारा मुझे क्या लगानी पड़ेगी बेटा? पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि मुझे बताया जो जा रहा है ना वो किसी भी तादाद का एवरेज बताया जा रहा है, और उसके बाद बोला जा रहा है कि भाई दो डिफेक्टिव मार्कर होंगे, इसके कुछ ना कुछ चांसेस तो होंगे ना बेटा, वो कुछ ना कुछ चांसेस बताओ क्या होंगे। रिमशा स्क्रीन पर कुछ लिखने की कोशिश कर रही हो बेटा, है ना? जो भी लिखेगा मुझे नाम पता चल जाएगा यहाँ पे, रिमेम्बर दिस। अच्छा जी, क्या मेरी बात क्लियर हुई बेटा? सर बैट्समैन को दोबारा समझा दें। बैट्समैन का सुनो, मैंने तुमसे बोला कि भाई एक बैट्समैन है ऑन एन एवरेज वो अपने एक मैच के अंदर ऑन एन एवरेज 4 सिक्सेस लगाता है। इसका मतलब मैंने क्या ये बोला कि वो हर मैच में जो है वो 4 छक्के लगाता है, बताओ? नो सर। है ना, हमारा ये तो नहीं बोला मैंने, एवरेज बोला। एवरेज का मतलब किसी मैच में 4 भी लगा देता है, किसी मैच में शायद 2 लगाता हो, किसी मैच में शायद 1 लगाता हो, किसी मैच में शायद 1 भी ना लगाता हो बेटा। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। है ना, तो अब इसके बाद मैंने क्या बोला तुमसे बेटा, इसके बाद मैंने बोला ये मेरे बच्चों कि अब वो किसी पर्टिकुलर मैच, एक नया मैच शुरू होने वाला है, क्योंकि अभी शुरू नहीं हुआ, प्रोबेबिलिटी हमेशा किसी भी चीज़ के होने से पहले निकाली जाती है। मैच शुरू हो गया, खत्म हो गया, अब मैं बोलूँ इस मैच में ये कितने सिक्सेस हिट करेगा, इस बात का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। तो अब मैच शुरू होने वाला है, अब मैंने बोला यार आज बैटिंग पिच सही नहीं है भाई, मुश्किल से ये 2 छक्के लगा ले बड़ी बात है, तो वो 2 सिक्सेस लगाएगा इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1 सिक्स हिट करेगा इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, 3 सिक्स क्या हिट करेगा इस बात के क्या चांसेस हैं, क्या इन तमाम वैल्यूज के चांसेस एग्जिस्ट करते हैं बेटा? यस सर। तो वो प्रोबेबिलिटी अब मैं कैसे निकालूं? तो वो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मुझे पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करनी पड़ेगी बेटा, समझा? यस सर, समझ। वेरी गुड। एक और एग्जांपल ले ले, तेरे लिए बता रहा हूँ मैं सर। एक सेल्समैन है, एक सेल्समैन है, उसने बोला भैया मैं ना एक दिन के अंदर तकरीबन मैं फोन करता हूँ लोगों को और उनको कन्वेंस करता हूँ और मैं क्रेडिट कार्ड बेचने की कोशिश करता हूँ, एक दिन में ऑन एन एवरेज मैं 4 क्रेडिट कार्ड्स तो सेल कर ही देता हूँ, या मैं 4 तो सेल्स कर ही देता हूँ। उसने बोला मैं 4 सेल्स तो मैं करता हूँ, कुछ लोगों को कॉल्स 10, 15, 20 जितने भी लोगों को, ऑन एन एवरेज मैं हर दिन तकरीबन 4 सेल्स तो कर ही देता हूँ। क्या उसने ये बोला कि मैं हर रोज 4 सेल करता हूँ? नो सर, एवरेज बता रहा हूँ। एवरेज का मतलब क्या हुआ, क्या समझे तुम एवरेज से, बताओ? 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। देखा देखा, है ना, किसी दिन 5 भी बेच देता हूँ मैं चीजें अपनी जो आइटम मैं सेल करता हूँ, किसी दिन मैं 2 भी बेच पाता हूँ, तो एवरेज है। अब एक नया दिन शुरू हुआ, कल जो मंडे है वो आने वाला है, तो वह संडे घर पे बैठ के प्लानिंग कर रहा है यार कल मैं इतने लोगों को कॉल करूंगा और मैं कल 5 सेल्स कर दूंगा, इस बात के क्या चांसेस हैं? मैं 1 भी सेल नहीं कर पाऊंगा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता सेल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कुछ तो चांसेस होंगे ना इसके, बहुत ही कम होंगे लेकिन होंगे तो ना बेटा चांसेस। 1 सेल करूंगा इसके भी कुछ ना कुछ चांसेस होंगे, 2 सेल करूंगा, तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी में क्या करके अप्लाई करूं? इसका कोई सैंपल स्पेस तो होगा नहीं, कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करनी पड़ेगी, तो आई कैन नॉट अप्लाई बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बेटा, दिस इज व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग बेटा, क्योंकि यहाँ पे एन और पी गिवन नहीं है, यहाँ पे मुझे एवरेज गिवन है। तो एवरेज की मदद से अगर मुझे किसी रेंडम वेरिएबल की वैल्यू की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो ना बेटा, तो आई ऑलवेज सीक टू अप्लाई बेटा पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? तो मैं हमेशा पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करने की कोशिश करूंगा। गॉट इट बेटा? यस सर। जबरदस्त बेटा। शुड आई स्टार्ट नाउ बेटा? फिंगर है हमारे साथ? जी सर। फिंगर मुझे तुम नहीं, बल्कि तुम पिक्चर अच्छे नहीं लेते, कोई पिक्चर ले बेटा जहां बाइनो में लैंड की थी ना उसके नीचे हाइपर ज्योमेट्रिक है, हाइपर ज्योमेट्रिक तीसरे नंबर पे पढ़ाऊंगा, जो पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ना उसकी पिक्चर्स लो और मुझे सेंड करो जल्दी से, कोई भी कर दे फटाफट। आज की क्लास का हमारा टारगेट ये है, मैं टारगेट बता देता हूँ आपको कि पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बुक से निपटा देंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो, ताकि कल सुबह वाली क्लास में हम मेरा हैंड आउट कर रहे हैं और कल तक पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो जाए। बाय द एंड ऑफ दिस वीक, मैं आपको बता देता हूँ, बाय द एंड ऑफ दिस वीक यानी अगले संडे तक मुझे पूरी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन खत्म करनी है, जिसमें 2 दिन का ऑफ भी आ रहा है, 2 दिन में से मैं 1 दिन ऑफ करूंगा, 10 मुहर्रम का सिर्फ, 9 मुहर्रम को शायद हम क्लास लेंगे, ठीक है? अरे विद मी, मैंने कहा था हाइपर ज्योमेट्रिक नहीं भेजनी, उसके नीचे हाइपर ज्योमेट्रिक वो नहीं भेजनी, अगले पेज की पिक्चर दो मुझे 57 जो है।
भेजो पिक्चर जल्दी से यार। जी पाशा, ये कौन है पाशा वैसे? देखो क्या लिखा है पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 28 ए पार्ट की बात कर रहा हूँ। द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स पर मंथ इन अ सिटी फॉलोज अ पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन विद द एवरेज ऑफ 5। बताओ एवरेज लिखा हुआ है बेटा? Yes, कह रहा है कि एक नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स एक महीने में एक शहर में जो होते हैं उसकी एवरेज है 5, यानी ऑन एन एवरेज 5 एक्सीडेंट होते हैं। क्या मतलब इस बात का ऑन एन एवरेज 5 एक्सीडेंट होते हैं बेटा? सर तकरीबन कभी 3 होंगे सर, कभी 6, कभी 7। समझ गए ना तुम लोग? माशाल्लाह से एवरेज दिया हुआ है, एवरेज को हम लोग एम से शो करते हैं, दैट इज 5 बेटा। आगे लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 एक्सीडेंट्स इन अ मंथ। हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है बेटा? 4 एक्सीडेंट्स की। सर 4 एक्सीडेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बताओ फॉर्मूला क्या होता है बेटा? e की पावर माइनस m पावर माइनस m m की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल बेटा। 4 की निकालनी है, e की पावर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय m की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। बोलो मंजूर बेटा? आप कैलकुलेटर उठाओ हाथ में जरा, इसको कैलकुलेटर पे टाइप कर देते हैं। कैलकुलेटर में तुम्हें e का बटन दिखाऊं मैं? बोलो बेटा दिखाऊं e का बटन? वो देखो ऑन के नीचे, ऑन के ऑन से तीसरा बटन चेक कर लो, ऑन का बटन, उसके नीचे लॉक का बटन, उसके नीचे e का बटन है मौजूद? शिफ्ट दबा के जैसे ही दबाओगे ना ये बटन इंशाल्लाह ताला तो तुम्हारे पास बेटा आ जाएगा। फ्रैक्शन बटन दबा लो, पहले e पावर लिख दो माइनस 4 बेटा, नीचे उतरो मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर, m कितना है? m तो लिखा नहीं मैंने, m कितना है? 5, 5 की पावर 4, तो 5 लिखो। और नीचे क्या लिखेगा बेटा? 4 फैक्टोरियल। 0.476 आ रहा है मुन्ना? 4770 मैंने एक चीज की प्रोबेबिलिटी निकाली, मैंने इसको 1 में से माइनस करके प्रोबेबिलिटी निकाली, 0.5230 आंसर आया। बताओ ये किस चीज का आंसर है? एक्सीडेंट ना होने की। नहीं नहीं कॉम्प्लीमेंट निकाला मैंने, इसको 1 में से माइनस करके 5230 आंसर आया। बताओ किस चीज का आंसर है? सर 5 से कम होंगे मतलब नहीं होंगे? नहीं 4 से ज्यादा की सर? नहीं नहीं 5 की, 4 से ज्यादा की नहीं है। एक्सीडेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी है ये, 4 एक्सीडेंट्स ना होने की प्रोबेबिलिटी है। ना होने का मतलब पता है? नहीं होंगे सर। e की पावर -5 नहीं आएगा? अच्छा मैंने m नहीं लिखा, एक मिनट बेटा जरा इसको चेंज कर दूं, मैंने 4 लिख दिया, e की पावर -5 आएगा। अब चेक करो अब क्या आंसर आ रहा है? 0.175 0.175 जी सर यही आ रहा है। अब इसको जरा 1 में से माइनस करना जरा, 0.8245 आ रहा है। हाँ वही। अच्छा अब देखो ये किसकी प्रोबेबिलिटी है? ये प्रोबेबिलिटी है कि 4 एक्सीडेंट होंगे, ये इस बात की प्रोबेबिलिटी है। ये जो 825 निकाला ना तुमने बेटा, ये इस बात की प्रोबेबिलिटी कि 4 एक्सीडेंट नहीं होंगे। अब वो 4 से ज्यादा होने वाली प्रोबेबिलिटी भी इसके अंदर शामिल है, 4 से कम होने वाली प्रोबेबिलिटी भी इसके अंदर शामिल है। क्या मेरी बात क्लियर? यस सर। कॉपी कर लिया होगा तुम लोगों ने ये? एक मिनट। इसका बी और सी तुमने खुद करना है। बताओ क्या एवरेज दिया गया है? सर ये एक्स फैक्टोरियल है, एन फैक्टोरियल है? एक्स फैक्टोरियल है, एन तो होता ही नहीं है इसमें।
अरे हम वन में से क्यों माइनस करेंगे इसको? ये तो करना नहीं है, तो मैंने ऐसे ही किया, ये तो मैंने वो निकाला ना कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट समझाने के लिए मैंने निकाला, आंसर यहाँ पे खत्म हो गया। कॉम्प्लीमेंट का मतलब पता है ना कि जिसकी प्रोबेबिलिटी निकाली उसके अलावा बाकियों की प्रोबेबिलिटी, तो हमने जो प्रोबेबिलिटी निकाली वो किसकी निकाली? चार एक्सीडेंट्स होने की प्रोबेबिलिटी निकाली हमने, बोलो। यस सर। तो जो बच गई यानी 0.825 जो आंसर आ रहा है वो किसका आ रहा है? वो चार एक्सीडेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी है। वो चार एक्सीडेंट ना होने का मतलब क्या है? वो तीन हो, दो हो, एक हो, जीरो हो, या पांच हो, छह हो, सात हो, समझा? यस सर। बी पार्ट पढ़ो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है अ रैंडम वेरिएबल एक्स फॉलोज द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 1.5। कितना मीन दिया हुआ बच्चों? 1.5। कौन बता बच्चों? आप कहां पढ़ रहे हैं बेटा? 28 का बी पार्ट पढ़ रहा हूं मैं। ग्रुप पर आई हुई पिक्चर, ग्रुप नहीं तो बुक से देख लो। मेरा सवाल ये है कि सर आप डिस्क्रीट वेरिएबल का जिक्र कर रहे हैं तो ये पॉइंट में कैसे आ गया? जवाब है कोई? ये सर मीन है ना। अरे मीन है सर, मीन है ना, मीन पॉइंट में हो सकता है ना, क्योंकि वो तो एक एवरेज वैल्यू होती है। स्कोर कभी पॉइंट में नहीं होता, लेकिन बैट्समैन का स्कोर वो पॉइंट में शो कर रहे होते हैं, तो ये मीन है, मीन हो सकता है पॉइंट में। बेटा शाबाश बेटा रोहन, वेरी गुड। बताओ पहले पार्ट में किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? दो और दो से कम वाले की। समझ गए होगे दो और दो से कम का मतलब क्या है? सर एटमोस्ट। मुझे भी पता है दो और दो से कम का मतलब है सर दो की, एक की और जीरो की। फिर तुमने जो बोला है ना उसका मतलब ये होता है कि सर लेस देन इक्वल टू 2 को एटमोस्ट 2 बोलते हैं। बिल्कुल सही बोला है, शाबाश। लेकिन मतलब ये है कि दो की, एक की और जीरो की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और दूसरे पार्ट में किसकी निकालनी है? इक्वल टू 4। चार की से। 4 की, शाबाश। कर लोगे इसे? अच्छा अब ना यहाँ पर ना कैलकुलेटर में जो मैंने बाइनोमियल का बताया था ना एटलीस्ट और एटमोस्ट वाला, वो इस्तेमाल नहीं हो सकता है यहाँ पे। वजह बताओ क्यों? कोई वजह बता सकते हैं मुझे? एम और वहाँ पे पी एंड क्यू नहीं सर हमारे पास। नहीं नहीं उसकी वो वजह नहीं है, मतलब एटलीस्ट एटमोस्ट वाला तो किसी में भी इस्तेमाल हो सकता है। तुम लिख कर देखो उसे, जरा लिख कर देखो क्या आएगा। बताओ नीचे एक्स में क्या लिखते हो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जहां से ज्यादा की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सपोज करो मुझे दो और दो से ज्यादा की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो मैं यहाँ पे दो लिख दूं? मैं सवाल से हटकर बात कर रहा हूँ, रिमेंबर दिस। ये मत बोलना कि सर एटमोस्ट है यहाँ पे तो वन में से माइनस होना चाहिए। सवाल से हटकर बात कर रहा हूँ मैं। कैलकुलेटर मेरे हाथ में, मैंने शिफ्ट दबा के लॉग वाला बटन दबा दिया और सिग्मा वाली चीज आ गई है। तो एक्स में मैंने टू तो लिख दिया, अब बताओ एक्स में टू लिखने का मतलब क्या होता है? किसी बच्चे को पता है? दो और दो से ज्यादा की प्रोबेबिलिटी निकालेगा। ब्रैकेट में रोहन में इसका फॉर्मूला भी लिख दूंगा, वो ई की पावर माइनस एम एम जो भी है वो मैं लिख दूंगा, एम की पावर एक्स और एक्स फैक्टोरियल भी लिख दूंगा मैं। मसला कहाँ आएगा पता है? किसी बच्चों को पता है मसला कहाँ आएगा? ऊपर ऊपर जो ऊपर, क्योंकि ऊपर हम क्या लिखते हैं, हम एन लिखते हैं ना बेटा ऊपर। उस एन का मतलब क्या होता है कि यहाँ तक जाओ, मतलब दो से स्टार्ट करो, दो और दो से ज्यादा, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह, ये मतलब होता है। लेकिन कहाँ तक? पॉइसन में एन तो गिवन ही नहीं होता, सही कह रहा हूँ मैं इस बात को? तो इसलिए हम यहाँ पर ना पॉइसन में एटलीस्ट और एटमोस्ट ये वाला इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब इसका शॉर्टकट मैं बच्चों को यही बताता हूँ बेटा, इसका शॉर्टकट यही है कि तुम फॉर्मूला टाइप कर लो, जो पूरा टाइप करवाता हूँ मैं। ई लिखो यहाँ पर, ठीक है? मैंने शर्दा के ई की पावर माइनस 1.5, क्योंकि एवरेज माइनस 1.5 है। फिर क्या आएगा बेटा? 1.5 की पावर एक्स, एक्स तुम्हें लिखना पड़ेगा एक्स ही। क्यों बताओ मैंने 1.5 की पावर एक्स ही क्यों लिखा मैंने, किसी को पता है? ये बार बार वैल्यू चेंज होगी ना सर, हम उसको अब सिर्फ x बताएंगे, वो वही वैल्यू पुट करेगा और आंसर निकालता जाएगा। 1.5 फिक्स्ड है, हर सवाल में 1.5 ही आएगा हर वैल्यू निकालते वक्त, इसलिए 1.5 मैंने डाल दिया। e फिक्स्ड है, इसलिए मैंने e भी लिख दिया। अब मैं सिर्फ कैल का बटन दबाऊंगा तो मुझसे x की वैल्यू पूछ रहा है, कह रहा है x की वैल्यू बताओ। मैंने फौरन से इसको 2 बताई, इसने मुझे फौरन प्रोबेबिलिटी बता दी। क्या प्रोबेबिलिटी बताई पता है? 0.2510। फिर दोबारा मैंने कैल दबाया, इसने मुझे अब x की वैल्यू बताओ, मैंने कहा 1, इसने 1 पे वैल्यू बता दी मेरे मुझे 0.33 और 47। फिर मैंने दोबारा कैल दबाया, इसने पूछा क्या वैल्यू, मैंने बोला 0 वैल्यू, इसने 0 पर मुझे वैल्यू बता दी 2231। या गए वैल्यूज, इनको प्लस कर दो, यू विल गेट द आंसर। समझ गए बेटा क्या तरीका हो सकता है इसका? 0.8088। करीम नवाज ने भी मुझे यही बताया। यस सर 0.0। यही फाइव पेपर भी हम लोग एक्स रखेंगे। किसके ऊपर बेटा? 5 के ऊपर। 5 के ऊपर क्यों? 1.5 है, 1.5 के ऊपर भी x रखेंगे जी, क्योंकि बेटा ये क्या आता है, m की पावर x है ना,
तो यहाँ पर आप x लिखो और नीचे भी x फैक्टोरियल। अब x के लिए बताओगे इन दोनों जगह वो खुद वैल्यू पुट कर लेगा और आंसर निकाल लेगा। ठीक है बेटा, कर लो इसका अगला पार्ट कर लो, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। जी बेटा बिल्कुल यही मतलब है, लेकिन तुम्हें पता है आई एम वेरी शार्प, तुम्हें पता है आई एम वेरी शार्प। जी सर हाँ मैं तुम्हें दिखाता हूँ करीम नवाज, सुन मेरी बात, तो देख मैं कितना शार्प हूँ, चेक कर अल्लाह के करम से। कैलकुलेटर उठाओ हाथ में, जो मैं कहूँ वो करना, कर रहे हो, सुन रहे हो मेरी बात, यस सर सर जो मैं बोलूं वो लिखना, मुझसे आगे मत बढ़ना। बोलो, मैं यस सर ये देखो इनसे चेक करो बेटा, तुमने कैलकुलेटर पे लिखो जो मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ वो तुम कैलकुलेटर पे लिखो, लिखो 1 माइनस, शिफ्ट दबा के वही लॉक वाला बटन दबाओ, ये चीज आ जानी चाहिए तुम्हारे पास, आ गई। यस सर ऊपर बॉक्स बना हुआ होगा, ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट में लिखो जो मैं कह रहा हूँ वो लिखो ब्रैकेट में, e की पावर -1.5 मल्टीप्लाई 1.5 की पावर m, 1.5 की पावर x, तो यहाँ पे x लिख दो, नीचे लिख दो x फैक्टोरियल, जल्दी से यहाँ तक टाइप करो फटाफट, कर लिया टाइप। कर लिया टाइप सर सर। अब यहाँ पर ना 3 लिखो, वजह बताओ 3 क्यों लिखा मैंने, किसी को पता है मैंने 3 क्यों लिखा? फिर 3 से आगे तक की निकाल सोच के जवाब दिया करो, मैंने 3 क्यों लिखा, पूरा जवाब दो कंप्लीट और सही जवाब दो, बोलो क्यों लिखा मैंने 3? सर ये सर एटलीस्ट के लिए तीन से होता है आगे ना, एटमोस्ट 2 हो जाएगा सर, 3 लिखने से सर हमारे पास एटमोस्ट 2 का आएगा। मुझे 3 और 3 से ज्यादा की प्रोबेबिलिटी ये फार्मूला निकाल कर देगा, और जब मैं 1 में से माइनस कर दूंगा 3 और 3 से ज्यादा वालों की, तो बची किसकी? 2 और 2 से कम वालों की बची ना। जी यस वेरी सर गुड। अब यहाँ पर ना तुम्हें इन्होंने एन नहीं दिया हुआ, तो तुम ना एन अपने पास से कोई वैल्यू सपोज करा लिया करो, बड़ी वैल्यू सपोज कराया करो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इस वक्त 25 लिख रहा हूँ, तुम 25 लिख कर इक्वल टू दबाओ और मुझे आंसर बताओ क्या आ रहा है, 25 लिख कर इक्वल टू दबाओ और मुझे आंसर बताओ क्या आ रहा है, ₹0.9947 नहीं नहीं ये तो नहीं आ रहा, 0.8088 यस सर 0.8 सर ये आ रहा है 0 यस सर यही 0.8088 आ रहा है यही आंसर। यस सर अब तुम चेक करो 25 की जगह 20 लिखो, फिर आंसर चेक करो, बताओ क्या आ रहा है मुझे, बताओ क्या आ रहा है 20 लिखकर, सर यही है यही आंसर आ रहा है, 30 लिखेगा जब भी यही आंसर आएगा, थोड़ा सा कम और चेक करना है तो 15 पे चेक कर लो, जरा 15 लिखकर चेक करो क्या आंसर आ रहा सर। एक और तरीके से भी हो सकता है। है, मैं आ रहा हूँ रुक जा बताता हूँ मैं सारे, तू टेंशन नहीं ले, 15 पे चेक करो, ठीक है।
सर 10 पर भी वही आ रहा है। 10 पर ही हुआ। अरे अब इसकी वजह सुन लो, चला ये बता दो, फिर दूसरा तरीका लेते हैं तुमसे। देखो सुनो बेटा, इसकी वजह क्या होती है, अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊ ना बेटा, तो x मैंने लिखा है यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑनवर्ड्स। सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी जो आती है ना, सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी जो आती है वो आती है बेटा, ये मैं भी आगे चल के प्रॉपर्टीज से बताना था मुझे, लेकिन मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ। अगर आपका एवरेज पॉइंट में है ना, तो सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी आएगी होल नंबर पर, इससे कम जो होल नंबर होगा। इससे कम होल नंबर क्या होता है 1.5 से, बताओ। 1 सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी ना यहाँ पर आएगी, मैंने बॉक्स बना दिया, मैं भी तुम्हें दिखाऊंगा। सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी आएगी यहाँ पर, इससे ऊपर और इससे नीचे छोटी होगी, इससे नीचे छोटी छोटी छोटी, इतनी छोटी होती चली जाएगी कि वो जीरो के बराबर होती चली जाएगी, कि उन आगे वाली वैल्यूज का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, समझे। अगर ये एवरेज होता 3 ना, तो सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी 3 पर आती। सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी अगर एवरेज 3 होता तो सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी 3 और 2 पर आती बेटा, तो बाकियों पर बहुत कम आती। यानी आगे वालों की प्रोबेबिलिटी इतनी कम होती है ना कि उनके होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैं अपने बच्चों को ना चेक करा देता हूँ अभी, हाथ के हाथ कैलकुलेटर के ऊपर टाइप ही तो करना है, और मुझे करना क्या है। मैंने लिखा ई की पावर, मैंने ई लिखा ई की पावर माइनस 1.5, नीचे उतरा मल्टीप्लाई बाय 1.5 की पावर, मैंने लिखा भाई एक्स, 1.5 की पावर मैंने लिख दिया बेटा एक्स, और नीचे लिख दिया मैंने एक्स फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसने मुझसे पूछा, इसने मुझसे क्या पूछा, जी सर एक्स की वैल्यू बताइए। मैंने कहा एक्स की वैल्यू पहले जीरो है, तो जीरो के ऊपर इसने मुझे आंसर दिया बेटा। क्या आंसर दिया किसी बच्चे ने निकाला? 2.2231। फिर मैंने दोबारा कैल दबाया और 1 पर मैंने इससे आंसर पूछा, इसने मुझे आंसर दिया 0.3347। फिर दोबारा मैंने कैल दबाया और मैंने 2 लिखा, इसने मुझे आंसर दिया 0.2510। फिजा तो देख ले बेटा मैंने बड़ी कहाँ लिखा था मैंने। फिर मैंने 3 दबाया तो आंसर आया 0.12 1255। अब तुम देखना आंसर छोटे होते चले जाएंगे, ठीक है। फिर मैंने दोबारा कैल दबा के 4 लिखा, इसने मुझे आंसर दिया 0.0471 बेटा। फिर दोबारा कैल दबा कर मैंने 5 दबाया, इसने मुझे आंसर दिया बेटा क्या, 0.0141। दो कितना छोटा हो गया, देख रहे हो तुम लोग, जवाब तो दे दो भाई। Yes, sir. जी सर। फिर आंसर आ रहा है 0.0035 बेटा। फिर दोबारा मैंने कैल दबाया और मैंने लिखा 7 के ऊपर आंसर चेक करो 0.000। अब तुम बताओ अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं बेटा, 3 डिजिट पे राउंड ऑफ करूं, तो पता है क्या बनेगी, ये 0.001। कितने कम परसेंट चांसेस है ना, देख रहे हो। Yes, तो आगे वालों की प्रोबेबिलिटी जो है ना बहुत छोटी हो जाती है बेटा, तो वो आगे वालों की माइनस करेगा ना, तो वो पॉइंट के बाद 5वें और 6वें डिजिट पे फर्क पड़ेगा। तो अगर तुम यहाँ 25-25 या लिख दोगे ना बड़े नंबर्स, तो तुम्हारे पास आंसर वही आएगा, तुम चेक कर लो, जो तुमने मैनुअल करके आंसर निकाला होगा। तो ये एक ना हमारी अपनी इंटेलिजेंस है जिसके जरिए मैं काम कर सकता हूँ। अब वहां पर ऑप्शन तो मौजूद होंगे, तुम्हें पता चल जाएगा कौन सा तुम्हारा राइट आंसर है। तला भाई सही कह रहा हूँ मैं इस बात को? यस सर। तला कहाँ है? जी सर। तला बोलो अगला कौन सा बोल रहे थे बेटा एक और? सर 1 से माइनस ना करें, बस x 0 पुट करके और ऊपर 2 लिख दें, तो एटलीस्ट वाली प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। हाँ 0 से लेके 2 तक की वो प्रोबेबिलिटी निकाल देगा आपको, ऐसा ही है। ये जरा चेक कर लो प्रॉपर्टी भी आपने बताई थी, ये चेक कर लो पहले ये चेक कर लो, ऊपर 2 लिखो नीचे 0 लिखो, और फिर ये एवरेज इस्तेमाल कर लो, देखो होगा क्या। सर 1 से माइनस नहीं करना फिर? हाँ 1 से माइनस नहीं, क्योंकि फिर 0 से 2 तक की प्रोबेबिलिटी खुद ही बता देगा ना मुझे, वो ये काम कर सकता हूँ मैं। चेक करो बेटा क्या लिखूंगा मैं, e की पावर माइनस 1.5 बेटा, ये आ गया मल्टीप्लाई बाय 1.5 की पावर x। और नीचे x फैक्टोरियल बेटा, ये ही आ रहा है सर, ये ही आ रही है। जी बेटा चेक कर लिया सर, 8088 46 वही आ गया।
अब बताओ मैंने ऊपर टू लिखा और नीचे जीरो लिखा तो इसका मतलब क्या होगा? जीरो से टू तक सर। जीरो की निकालेगा, वन की निकालेगा और टू की निकालेगा। समझ गए? यस सर। इसमें ये उल्टा काम हो गया, उल्टा काम ये हो गया। अगर अब मैं ये बोलता तुमसे, इसी की यही वाले सवाल की मिसाल ले लो, अगर मैं तुमसे कहता एटमोस्ट सॉरी एटलीस्ट थ्री की प्रोबेबिलिटी निकालो, अब एटलीस्ट थ्री का मतलब पता है क्या? किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है? थ्री से लेके और उससे आगे तक की। थ्री से लेकर उससे आगे तक की, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। अब तुम्हें ये तो पता नहीं है कहाँ तक जाना है, पता है तुम्हें कहाँ तक जाना है? नो सर। पता तो है नहीं तुम्हें, तो अब क्या करना चाहिए हम लोगों को? इसी को उल्टा कर देना चाहिए। वन में से अगर मैं माइनस कर दूं, देखो मैं यहाँ लिखूं टू और यहाँ पे लिखूं x is equals to zero, तो अब बताओ इसने किस किस की माइनस कर दी, पता है तुम्हें? सर जीरो वन टू की। जीरो वन टू की माइनस कर दी तो बची किस किस की बेटा? थ्री फोर थ्री और उससे आगे वाली, थ्री और उससे आगे की बच गई। यानी बाइनोमियल का बिल्कुल उल्टा कर दिया हम लोगों ने, ये समझ में आई बात? यस सर। ये याद रखना, तुम भूलना नहीं बिल्कुल भी। ये कोई मसला किसी बच्चे को? अच्छा मेरी क्लास एंड होने में ना 3 मिनट रह गए, क्योंकि बेसिक अकाउंट से मैंने स्टार्ट किया है ना, तो सिर्फ 3 मिनट में क्लास एंड हो जाएगी। मैं दोबारा क्लास स्टार्ट करूंगा कब सर? कल कर लें बाद सर, कल करें मगरिब के बाद करेंगे ना, ऐसे बहुत टाइम जाया हो जाता है, कोई और काम नहीं कर पाते सर। कल एक्स्ट्रा ले लिए। कल करेंगे सर, कल। क्यों आज क्यों नहीं यार सर? आज क्विज देना है सर। अच्छा फिर तुम एक काम करो, अच्छा फिर तुम एक काम करो, वादा करके जाओ मुझसे जो इसके सवालात है ना मैं तुम्हें बताता हूँ कहाँ तक। अभी 2 मिनट बैठ जाना नमाज के बाद, और वो थोड़े से मैं तुम्हें सवालात बता देता हूँ, ये सवालात कर कर आना। 32 का जो ए पार्ट है ना, 32 का ए पार्ट कौन सा पार्ट? दोबारा बोलो। 32 का ए पार्ट तक कर लेना। सवाल पढ़ के सुनाओ क्या लिखा हुआ है। यहाँ तक सवाल करके लाना, इसके आगे के सवाल मैं तुमसे डिस्कस करूंगा। ओके सर। ठीक है बेटा, ये सारे सवाल मैं इसके इसका शॉर्टकट भी आ गया हमारे पास। चलो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। इसकी रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ।